नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। आज मोर देन 2 पॉइंट लगभग 3% की गिरावट दिखी। इंडिविजुअल कुछ बड़े कारण नहीं रहे, लेकिन टेक्निकली एक डाउन ट्रेंड के फॉर्म में जाते दिख सकता है। कुछ बड़ी खबर नहीं रहे, एक अपडेट्स रहे आगे के टेक्निकल ट्रेंड। आज के कामकाज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें। यहां देखेंगे तो स्टॉक में आज एक मेजर रिजेक्शन दिखा है। न्यूज एक कॉमन है जहां कंपनी के जो डिज्नी के साथ जो मर्जर हो रही है या फिर उसको एक्वायर कर रही है, उसको लेकर के जो भी न्यूज छपे थे उसके क्लियरिफिकेशन में कंपनी ने एक सर्कुलर जारी करा। ये बड़ा इंपोर्टेंट नहीं है। यहां देखें तो बड़ी डिलीवरी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो टेक्निकल ट्रेंड है इस स्टॉक का, ये भी कंटिन्यूअस पॉजिटिव रहा है। लेकिन आज देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम रहा और 52% के डिलीवरी के साथ भी जिस प्रकार से ये रिजेक्शन दिखा है, यहाँ देखेंगे जिस प्रकार से इस स्टॉक में ये रिजेक्शन दिखा है, आप मान करके चलिए कि 2790 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो अगेन 2650, और इसके बाद ये लेवल देखेंगे तो 2560, ये दो लेवल लोअर साइड दिखेगा। कब इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तभी शॉर्ट करेंगे। एसएल क्या होगा? एसएल होगा 2900 का। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है तो फिर ये इस जोन में कंसोलिडेट होगा। बड़ा ट्रेंड इस समय रिलायंस में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा।